पत्नी बगैर बताए घर से कहीं चली गई। जब वो लौट कर आई तो उन्होंने कहा था कि जाने के पहले बता कर जाया करो, घर पर बच्चे हैं, परिवार है। उस पर इनकी पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया 112 नंबर की पुलिस आई और उसके बाद पुलिस इनको पूरा अभियान चौकी ले गई और पूरी रात में मारे गए। पिछड़े समाज से किसान समाज के समर्थित किसान को चौकी इंचार्ज पूरा अभियान हरशंकर राय और उनकी टीम ने पूरी रात मारा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया। इनके अधिकारियों का अमानवीय चेहरा लगातार कई बार जनता के सामने आया है और अमानवीय व्यवहार करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोगों को न्याय तो नहीं दे पाते, लेकिन हाँ अगर गरीब कोई फंस जाए तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए पुलिस जरूर करते हैं। जंगल राज कायम है, जो स्थिति उत्तर प्रदेश की सरकार में है, जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, हर मामलों में उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरह से अक्षम भैया। कोई भी सुरक्षित नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। खास तौर से पिछड़े घंटा बनाते हैं या इनकी विचारधारा से वो लोग मैच नहीं खाते, वो लोग भी लगातार उन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। फेक एनकाउंटर पहले बता कर जाया करो, घर पर बच्चे हैं, परिवार है। उस पर इनकी पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया 112 नंबर की पुलिस आई और उसके बाद पुलिस इनको पूरा अभियान चौकी ले गई और पूरी रात में मारे गए। पिछड़े समाज से किसान समाज के समर्थित किसान को चौकी इंचार्ज पूरा अभियान हरशंकर राय और उनकी टीम ने पूरी रात मारा। इतना मारा कि इनके शरीर पर निशान पड़ गया, सामने निशान दिखाओ। और ये देखिए फोटो, देखिए खाली इनका इनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था, विवाद का था, खाली इतना कहा था कि बता कर जाया करो, तो पूरी रात मारा, पूरी रात इनको मारा है। और देखिए कितना, मतलब ऐसे तो दुर्दांत अपराधियों से भी ये रसूलाबाद चौराहे पर चार का ठेला लगाते, समरजीत निषाद पूरा बाजार रसूलाबाद चौराहे पर चार का ठेला लगाते। और आप देखिए तस्वीर को किस तरह से मारा गया, ये अमानवीय चेहरा है पूरा बाजार चौकी इंचार्ज का, उनके सिपाहियों का पूरी रात पर से मारा गया, 17 तारीख की पूरी रात को मारा गया। इसके हाथ पूरे सूज आए थे, पूरे हाथ में मारा पेट से, जो पुलिस चमड़े की बेल्ट पहनती है उस चमड़े की बेल्ट से इनको मारा गया। मायके बिना पूछे हुए जब आई, फिर मैंने पूछा, 112 पर फ़ोन किया, मुझे चौकी ले गया, फोन भरवाया, फिर झगड़ा राज नहीं था। ये बार बार चली जाती है बिना पूछे, घर में छोटा बच्चा है, उसको कहते हैं देखो, ये कहती है अभी आते हैं, अब आती है शाम को। हाँ, पुलिस ने फिर 112 पे फ़ोन किया तो पुलिस आया, मुझे लाइट लाद के ले गया चौकी, वहाँ रात भर खूब मारा पीटा। इससे पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? उससे पहले 10 दिन पहले मैंने जो फिर भेजा था जेल, उसी इसलिए पूछा कहीं थे, तो फिर दोबारा कर दिया। बिना पूछे मायके चली जाती या कहीं जाती, कहीं नहीं, शाम को आती हैं, जब पूछते कहाँ गए तो उसी रात झगड़ा करने लगती है। अब वही जो मारा पीटा फिर यही दे तो तीन लेकर वो नहीं सब जाने, समरजीत हमारे 17 तारीख को योगी सरकार की पुलिस इनको पुलिस चौकी पूरा बाजार ले गई। इनकी पत्नी बगैर बताए घर से चली गई थी कहीं, लौट के आने पर इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कहीं जाने से पहले बता दिया करो, घर पे परिवार है, बच्चे हैं, सूचित करके जाया करो। उसके बाद इनकी पत्नी ने 112 को फ़ोन किया, 112 नंबर आई और इनको पुलिस चौकी ले गई पूरा बाजार। उसके बाद पूरी रात समरजीत निषाद को पुलिस ने मारा, चौके इंचार्ज हरशंकर राय और उनके जो भी सिपाही थे बेल्ट से मारा, पूरा इनका हाथ सूज आया,
पूरा इनका हाथ सूज आया, पीछे मैंने फोटो आप लोगों को दिखाई, पूरे शरीर पर निशान पड़ गया, इतना मारा इनको। तो कागज लाओ जरा, कार्रवाई की गई। और उसके बाद दूसरे दिन इनका 151 में चलान कर दिया गया और फिर जमानत करा के घर आए। ये फोटो है, ये फोटो है। आप बताइए, इन्होंने खाली पत्नी ने मान लीजिए कहा से नहीं बुला लिया गया था, पुलिस पूछ सकती थी क्या घटना है, बात करा सकती थी दोनों परिवार को बुलाकर पति पत्नी को, लेकिन ये इतने बड़े अपराधी थे कि इस तरह से पिटाई की गई। ये तो केवल पिछड़े समाज के थे समर्जित निशान, इसलिए ऐसी घटना की गई। मैं मांग कर रहा हूँ कि चौकी इंचार्ज और जो भी सिपाही इस घटना में लिप्त पर कार्रवाई की जाए। ये अमानवीय व्यवहार है, ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते। ये कोई गुंडा नहीं है, कोई नहीं गया 107/16 भी आज तक इसका नहीं हुआ है और इसको जेल भेजा गया, 151 जमानत पर आया। और इस तरह का अमानवीय व्यवहार, चाट बेचता है रसूलाबाद चौराहे पर, चाट का ठेला लगाता है, गरीब आदमी है। तिहरा में अभी बताइए, 5-5 निषाद समाज के लोग, लोढ़ा ग्रुप के लोग जमीन कब्जा कर रहे थे अभिनंदन लोढ़ा के, गरीब निषाद समाज के लोग अपनी जमीन बचाने लगे, लोढ़ा के गुंडों ने मारा, निषाद समाज के लोग मारे भी गए, निषाद समाज के लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वही निषाद समाज के लोग जेल चले गए। तो प्रशासनिक अधिकारियों का और पूंजीपतियों का जो गठजोड़ इस अयोध्या में चल रहा है, वो लगातार गरीबों का शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है। पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और फॉरवर्ड के भी गरीब समाज के लोग मारे जा रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। सत्ता और पूंजीपतियों के गठजोड़ ने तिहरा के 5-5 निषाद समाज के लोग पर मुकदमा लिखवा के जेल भेज दिया। ये बेचारा चाट का ठेला लगाने वाला गरीब आदमी, इसकी ऐसी निर्मम पिटाई। योगी सरकार में केवल जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लोग मारे जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से, ऐसे चौकी इंचार्ज और सिपाही जो भी इसके दोषी हैं, इन पर मुकदमा लिखकर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा किसी गरीब